चमकना हीरे में और जितनी माँ के नगीने में, और इतना प्यार पिता से मिले ना, पिता केवल प्यार कर सकता है, और इतना प्यार पिता से मिले ना, और जितना मैया जी के सीने में, और इतनी इतनी चमकना हीरे में जितनी माँ के नगीने में, इतनी चमकना हीरे में जितनी माँ के नगीने में, इतना प्यार पिता से मिलेगा जितना मैया जी के सीने में, इतनी चमकना हीरे में जितनी माँ के नगीने में। सबसे पहली मैया कौन सी है? सबसे पहली मां कौन बताएगा? हाँ जी, जननी मैया, और कोई? जननी मैया और कोई? ये है सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। जब इंसान मां के गर्भ में होता है लेकिन पैदा होने से पहले ही वापस चला जाए, उसके इस चीज का फैसला कौन करती है? बहमाता। बहमाता ने जो लिख दिया वो होके रहेगा, शंकर भगवान के नसीब में लिख दिया कि तू अपने हाथ से अपने बेटे का सर काटेगा, तो काटा। राम के भगवान के चरणों में लिख दिया, भाग में लिख दिया 12 साल वनवास रहेगा, तो रहेगा। वो है पहली माता। पहली माता है बहमाता, सबकी जोड़ी बढ़ती है, जैसा जिसके लिखा भाग में वैसा उसको देती है, सबकी खबरिया लेती है, ना छोड़े कसर कसीने में, इतनी इतनी चमकना हीरे में इतनी माँ के नगीने में, इतने चमकना हीरे में माँ के नगीने में। पहली बहमाता, और दूसरी? दूजी है ये जननी माँ, दूजी है ये जननी माँ, जकी कोख में पैर पसारे, अपने आंचल की छाया से मैया पल्ली पार उतारे, जब तकलीफ होए बच्चे को, उठे दर्द माँ के सीने में, इतनी इतनी चमकना हीरे में इतनी तेरे नगीने में, छोटा छोटा जय हो। ताली बजा के क्या कहने बच्चों को, पहली माता बहमाता, और दूसरी तीसरी माँ मैया की गोदी से उतर करके पहला पैर कहाँ गया? तीजी है ये धरती माँ, जब खेल कूद के बड़े हुए, गौर से देखो इस धरती में, बड़े बड़े योद्धा गढ़े हुए। एक बार भैया करण ने कही कृष्ण भगवान से,
कृष्ण भगवान अंत में जब पहुंचे, कहने लगे करण आखिरी इच्छा बोल दे। करण कहने लगा प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मुझे उस जगह दाग लगाना जहां किसी इंसान को दाग किसी जीव को नहीं लगा हो। भक्तों कृष्ण भगवान लेकर के करण की रूह को सब जगह घूम आए, क्या धरती क्या आकाश क्या पाताल, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसको दाग लगाया जा सके। तो विद्वान लोग गुरु लोग बताते हैं उसने अपने हाथ पे दाग लगाया था कृष्ण भगवान ने करण को। ऐसी है ना जी, आओ तीजी है ये धरती माँ जपे खेल कूद के बड़े हुए। गौर से देखो इस धरती में बड़े बड़े योद्धा गढ़े हुए हैं, आपस में लड़े हुए वो बदले खून पसीने में। इतनी हो इतनी हो इतनी चमक ना हीरे में, इतनी माँ के नगीने में, इतनी चमक ना हीरे में, इतनी माँ के नगीने में। और चौथी है ये शेरा वाली जो जग में बड़ी बताई, इस मैया की इस कलयुग में देखो कला सवाई। भक्तों के भंडार भरे माँ, भक्तों के भंडार भरे माँ, चैतर क्वार महीने में। चैतर क्वार में क्यों, चैतर क्वार में क्यों भरती है ज्यादा है? साल में कितने आते हैं नवरात्रे है? फैसला कर लो गुप्त नवरात्रे होते हैं। आओ जी चैतर क्वार में नवरात्रे बताते, जगह जगह पांडाल सजते मैया के, और मैया ऐसा बताते हैं नवरात्रों में पांडाल में क्षण भर के लिए जरूर आती है, और जिसकी जैसी भावना हो फिर उसी को वैसा ही मिल जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की, वैष्णो मैया की, झांझी मैया की।